क्या आज हमें बाबा के दर्शन करने जाना है? क्या खिलाएंगे? बूंदी का लड्डू बना के खिलाएं। अरे ये सौरभ था ना। चलिए एक बार बोलते हैं जय नीम करोली बाबा की। जय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने, और बोला था कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, सो वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा वेदर है। नींद भी बहुत अच्छी आई और बहुत एक्साइटेड है कि आज हमें बाबा के दर्शन करने जाना है। सो आज बोला है कि आज कुछ है वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, इसीलिए हम रात के टाइम जाएंगे जब थोड़ी भीड़ कम हो, क्योंकि गोला भी है ना हमारे साथ और थोड़ी ठंड भी है, तो फिर इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो बस मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। पांडे जी की विकेट ढह गई, रात को पांडे जी को बुखार हो गया था। सो पता नहीं क्यों, पांडे जी क्यों बुखार हो गया पता नहीं, तो आज फिर वो हंसी नहीं दोगे? होगा होगा, करो। ये मेरा है हेल्दी खाना। What? क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा हेल्दी खाना ही खाती हूँ, हेल्दी ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरा हेल्दी आलू पराठा का पारा है, और ये तड़प रहा है, तड़प रहा है बच्चा तबाही करने के लिए, ये तड़प रहा है भाई, इसको बंद कर दो। हाँ पांक। कहीं ना कहीं कुछ अड़ाके ही रखा होगा इसने। एलिफेंट विस्पर, एलिफेंट विस्पर। एक छोटा हाथी हल्द्वानी आया, बहुत खुश है वो, बहुत खुश है। और हमारे साथ फुटबॉल प्लेयर मुन्ना उर्फ पूसा जीना। मुन्ना ने क्या कहा, मुन्ना सबको बताए, और आप कमेंट में बताए कि मुन्ना किसकी बात कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कहते हो कि मुन्ना की बात आपको समझ आती है, छोड़ दे मुन्ना इसको, तो बता नाश्ते में क्या क्या खाया। पांक। डोसा खाया और सिमई खाया। व्हाट? कौन? सिमई। समय कौन है? मैं सिमई हूँ। पांक। क्या खाया? सिमई। सिमई क्या? सिमई होता है ना वो दूध में जो सिवैया। पांडे जी बार में बैठ के चाय पी रहे हैं, सारे नियम ही चेंज कर दिए, बार में बैठ के चाय, और आपने इनको चाय क्यों दी बार में? मुझे माफ कर दो। ये है आफ्टर नाश्ता एनर्जी। नम 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 नम। पापा से तो खुशी नहीं रहता मैं, और बोल पापा पापा पापा, बोले मम्मा मम्मा मम्मा, गोले की मम्मा कहाँ है? इतना टॉर्चर कर जब तक इसके मुंह से माँ ना निकल जाए। माँ। हाय गोले मम्मा कहाँ है मम्मा? तंग आ चुका बच्चा, तंग आ चुका है, हर्ष ने बुरे हाल कर दिए। अरे खुश हो गया, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओई लैंड हुआ प्रॉपर, प्रॉपर लैंड हुआ यूएफओ। हर जी यूएफओ क्या होता है वैसे? सुना था मैंने। हाँ चलो ठीक है, इसको पता है क्या एलियन का, जहाँ पे रहते हैं। हाँ तो हाथ नीचे करके बोलो ना, दांत गिर थोड़ी जाएंगे दीदी। मम्मा मम्मा मम्मा, बोले मम्मा मम्मा, तेरे को घुमाने लाई हूँ, बोल मम्मा मम्मा। अच्छा गोले की मम्मा कहाँ है? चल भाग जाए यहाँ से, चल भाग। सो गोला नहा चुका है, घने मुलायम काले। आपने मुन्ना के अगर कपड़े नहीं देखे तो आपने आज का ब्लॉग ना देखे बराबर किया। क्या है मुन्ना, दिल के पास लड़की रखी हुई है, उसका पेट लड़की वो मोटी कर दी पेट के पास लाकर। मुन्ना ये कहाँ से लिया है? मुद्रा लखनाला से। तो चलिए हम रेडी हैं, आज हम सुपरस्टार हल्द्वानी के सुपरस्टार बॉबी भैया के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने के लिए। हमारे सुपरस्टार सौरभ जोशी भी आ चुके हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अरे पैर नहीं छुआ। अरे बेटा बहुत ज्यादा, इसने पैरों के आधे बाल इसने निकाल दिए छू छू के। तो आज हम जा रहे हैं बॉबी भैया के रेस्टोरेंट में। बॉबी भैया आपकी हाँ। बॉबी आई हुई है? हाँ आई हुई है।
ज्यादा सौरभ को ही जानती थी ना, लेकिन वो अभी ऐसा लग रहा है कि गेस्ट है, दूर बैठा ना, उसको पानी दिया किसी ने ना कुछ, लेकिन मैं इसको, मेरे को तो इतनी सारी अपनी किटी फ्रेंड्स मिल गई हूँ, और ये लड़कियां हमारी चुगलियां कर रही थी, छुप छुप के कोई बातें कर रही थी, क्या बातें की, पक्का की इन्होंने हमारी चुगलियां कुछ, ये क्या है, सारे चुप हो गए, नाम ही नहीं बताया किसी ने, मैंने बोला ये क्या है तो सारे चुप हो गए, ओके पनीर टिक्का, ये ओके, ओ वाओ, ये निकले हमारे कॉन्वेंट स्कूल के, वाओ सारा इंग्लिश में हो, अभी देसी में बताओ ये बूंदी है ना, अच्छा कौन है, ओके ओके, अभी आपको बूंदी का लड्डू बना के खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, बूंदी का लड्डू बना के, अरे ये सौरभ था ना, अरे मैं तो तुमसे मिलने आई थी, मैं हाथों से ऐसे लड्डू बनाऊंगा इनका भी, ठीक है धोखे बनाना, खुजा के मत बनाना। ससुर जी आप बहुत फेमस हो, इतने ज्यादा, और आपकी फैन सारी यहाँ बैठी है, ऊ ला ला ला, ससुर जी इनको पता ही नहीं चला कि आपकी 75 साल उम्र है, ये कह रहे कि ससुर जी लगते ही नहीं 60 साल के लगते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हमने तो सोचा उनके बड़े भाई हैं, किनके, हर्ष प्रिया के बड़े भैया हैं, ऐसे मत कहो, वो कहेंगे फिर मेरा रिश्ता भी करवाओ, सौरभ मेरे लिए कुछ कह रहा है, सौरभ क्या बोल रहे थे, हेलो एवरीवन, हां जी गुड आफ्टरनून, तो भारती जी आज हमारे यहां हल्द्वानी में स्काईलाइट में आए हैं, तो इस अवसर पे उनके लिए हमने यहां पे केक लाया है, वेलकम केक, तो प्लीज कृपया करके यहां पे आइए और केक कट करिए, थैंक यू, ये बात बिना माइक के भी बोल सकता था, इतना यहां पर कोई भीड़ ऐसी खचाखच, तो प्लीज कृपया करके आइए, जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। सौरभ जोशी की डैडी और सौरभ जोशी की सारी भाभियां मामियां चाचियां बहनें बाय बाय सौरभ जोशी, वो कब से होटल वाला लड़का बोल रहा है उठो सर यहाँ से, ये बाप बेटा दोनों इधर देखो, ये हल्द्वानी में पूरे मजे ले रहे हैं, तो चलिए जी लंच हो गया बॉबी भैया के स्काई डेक पे, अब हम वापिस आए, फटाफट मैंने चेंज किया और मुझे क्योंकि दुपट्टा वट्टा लेके इंडियन कपड़े पहन के जाना था, तो बस हम निकले हैं और इस जगह की इतनी मान्यता है, वर्ल्ड के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, और आज हम जा रहे हैं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और बड़ी लकी समझ रही हूँ अपने आप को, 2 या 3 महीने पहले एक वीडियो देखा उनका, देन उसके बाद मुझे वो फोटो में हर जगह में दिखने लग गए, कोई स्टोरी डालता था कभी इंस्टा पे कभी यूट्यूब पे, मैंने बोला कि अभी तो जाना है, तो बस हम आ गए, मतलब नीम करोली बाबा ने हमें बुला ही लिया, और बस जाते हैं और दर्शन करते हैं, आप सबके लिए भी मैं बहुत सारी ब्लेसिंग मांगूंगी। सो गाइस आज तो अच्छी खासी वापसी में गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं आप, ये जस्ट अभी हमने हल्द्वानी से स्टार्ट किया है नैनीताल की तरफ, और गाड़ियां बहुत, थैंक गॉड यहाँ पे आके गाड़ियां खत्म हुई, सो फाइनली हम बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं नीम करोली बाबा के, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बॉबी भैया एंड सौरभ जिनकी वजह से हम यहाँ पे आ सके यार, और बस कहते हैं ना कि जब अच्छी जगह पे जाना हो तो आप आसानी से नहीं पहुंच सकते, आपने देखा होगा मैं एकदम धूप उजाले में शुरू किया था और अब एकदम रात हो गई है और हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 3 मिनट दिखा रहा है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, हम लोगों ने सब ने जूते वूते गाड़ी में उतार लिए ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बात है, जय नीम करोली बाबा की, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई, बाबा ने मुझे बुला लिया, अभी अंदर आरती हो रही है, नमस्कार, सो हम लोग जाएंगे, सो फाइनली दर्शन हो गए हैं मुझे, हर्ष को और गोले को, बहुत अच्छा लग रहा है,
सो चलिए चलते हैं घर वापस। बाय।